Warmly good morning to all of you. I hope everybody is safe and healthy. Today we will going to start our first lesson of English, that is the tease. It means tease मतलब क्या होता है? परेशान करना. ठीक है, तो आइए हम इस पोयम को पढ़ते हैं. ये एक पोयम है जिसको लिलियन होम्स ने लिखा है. ओके, बिफोर वी बिगिन द पोयम, ये देखिए आपको ऑन योर मार्क दिया हुआ है, रीड इट. Unscramble the words and find the hidden names of the wind depending on its speed. यानी कि यहाँ पे आपको unscramble words दिए हुए हैं, ये देखिए आपको इनको arrange करना है और एक meaningful word बनाना है. ये सभी wind के ही नाम हैं जो कि depend करते हैं किस पे, उनकी speed पे. First word is breeze. Okay? ब्रीज मतलब क्या होता है? समीर या मंद हवा बोलते हैं, जो कि pleasant wind होती है. Okay? जिससे हमें खुशी होती है, हैप्पीनेस होती है. ओके, सेकंड वर्ड इज स्टॉर्म. ये तो आप सभी जानते होंगे स्टॉर्म को, क्योंकि ये क्या है? यस, तूफान को हम स्टॉर्म बोलते हैं. ओके, थर्ड इज साइक्लोन. साइक्लोन हम किसे कहते हैं? चक्रवात को. ये देखिए अब ये जो है मंद हवा होती है ना, प्लीजेंट विंड होती है, फिर थोड़ी उससे स्पीड विंड की बढ़ी तो वो क्या बन जाता है? स्टॉर्म. एंड लास्टली इज जब बहुत तेज हवा की स्पीड, विंड की स्पीड होती है, तो वो साइक्लोन का रूप ले लेती है. तो आपको समझ आया कि विंड के जो है थ्री टाइप्स होते हैं. अब इस पोयम में का नाम, टाइटल ही जो है क्या है? द टीज, यानी कि परेशान करना. तो पोएट्रेस को कौन परेशान कर रहा है? आइए पढ़ते हैं. ये पोयम जो है फुली जो है विंड के ऊपर डिपेंड है. फर्स्ट स्टैंजा में, यानी कि ये जो फर्स्ट स्टैंजा दिया हुआ है, इस स्टैंजा में पोएट्रिस जो है वो विंड को क्या कर रही है? डिक्लेयर कर रही है कि तुम मुझे बहुत ज़्यादा टीज करते हो, तुम बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो, तुम मेरे लिए एक बाधा हो, रुकावट हो. बट सेकेंड स्टैंजा जो पोएम का है, उसमें पोएट्रिस जो है विंड की तारीफ करते हुए कहती हैं कि अगर तुम नहीं होते तो मेरे लिए बहुत सारे जो है काम मेरे नहीं हो पाते, मेरी लाइफ अच्छी नहीं हो पाती. तो आइए हम इस पोएम को पढ़ते हैं और समझते हैं. यू आर अ न्यूसेंस, आई डिक्लेयर, यू टीज मी सो इट इज नॉट फेयर, यू पाउंस ऑन मी फ्रॉम एवरीवेयर एंड सीज माय हैट एंड क्लच माय हेयर एंड टाई माय क्लोथ्स इन नॉट्स and tear the leaves and blossom from the pear. Okay? यानी कि पोइट्रिस फर्स्ट लाइन में क्या कह रही है? यू आर अ न्यूसेंस, आई डिक्लेयर. यानी कि पोइट्रिस यहाँ पे डिक्लेयर करके कह रही है कि तुम जो है न्यूसेंस हो, यानी कि क्या हो? एक बाधा हो, रुकावट हो. किसके लिए? मेरे लिए तुम जो है एक बाधा और रुकावट हो. आई डिक्लेयर, वो पोइट्रिस डिक्लेयर करके कह रही हैं. यू टीज मी सो इट इज़ नॉट फेयर, तुम मुझे हमेशा क्या करते हो? परेशान करते हो. ये फेयर नहीं है, यानी कि अच्छी बात नहीं है. किसके बारे में बोल रही है? ये विंड के बारे में. ये देखिए विंड जो ब्लो हो रही है उसके बारे में बोल रही है. यू पाउंस ऑन मी फ्रॉम एवरीवेयर. पाउंस मतलब क्या होता है? जंप करना. ओके, तो वो क्या बोल रही है? तुम हर कहीं से जो है मेरे ऊपर जो है जंप कर जाते हो, यानी कि हर जगह से विंड तुम मेरे पास आ जाती हो. एंड सीज माई हैट एंड क्लच माई हेयर, और तुम मेरी हैट को भी खींचती हो और मेरे बालों को भी खींचती हो. तो इसका मीनिंग क्या है? देखिए आप, ये पोयम में पिक्चर बनी हुई है. विंड क्या करती है? हैट को भी उड़ा रही है, उनके बालों को भी, पोइट्रिस के बालों को भी क्लच कर रही है. एंड टाई माई क्लोथ्स एंड नॉट्स, और मेरे कपड़ों को भी क्या कर रही हो तुम? बांध रही हो, है ना, उड़ा रही हो. एंड टियर द लीव्स एंड ब्लॉसम फ्रॉम द पेयर. अब पेयर किसको बोलते हैं? ये देखिए आपको ये फ्रूट जो है बना हुआ दिख रहा है, इसको हम पेयर बोलते हैं. और वो बोल रही है सिर्फ तुम मुझे परेशान नहीं करती हो, यहाँ पे जो ट्रीज हैं उनकी लीव्स और उनके फ्लावर्स को भी तुम क्या कर रही हो? टियर कर रही हो, यानी कि तोड़ रही हो. विंड तुम बिल्कुल ही क्या हो? तुम रुकावट हो, तुम बहुत ही ज़्यादा मुझे परेशान करती हो. नाउ टर्न द पेज. नेक्स्ट स्टैंजा इज, आई विश दैट आई कुड सेट अ स्नेयर टू कैच यू बट आई शुडंट डेयर,
For though you tease me, I declare, O wind, if you were never there, I don't think I could manage quite to sail my boat or fly my kite. And next stanza में वो क्या बोल रही है? मैं wish करती हूँ कि I could set a snare. यानी snare मतलब क्या होता है? Trap करना है ना? यानी कि trap करना मतलब ट्रैप होता है ना, बांधना है ना. मैं विश करती हूँ कि मैं तुम्हें ट्रैप कर सकूँ, टू कैच यू, ताकि मैं तुम्हें पकड़ सकूँ. बट आई शुडंट डेयर, लेकिन मैं ऐसा डेयर नहीं कर सकती, यानी कि इतनी हिम्मत मुझ में नहीं है. फॉर दो यू टीज मी आर डिक्लेयर, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगी कि शायद तुम इसीलिए मुझे टीज करते हो, परेशान करते हो, क्योंकि मैं ऐसा नहीं कर सकती. ओ वेंट इफ यू वर नेवर देयर, I don't think I could manage quite to sail my boat or fly my kite. लेकिन wind, मैं क्या कह रही है poetress? लेकिन अगर तुम नहीं होती तो क्या होता? मैं अपनी life को manage भी नहीं कर पाती, क्योंकि तुम्हारे बिना ना तो मैं अपनी kite को उड़ा पाती, ना ही अपनी boat को sail कर पाती. Okay? तो यहाँ पे lastly poetress ने जो है wind की अच्छाई भी बताई है. इसकी पोइट्रीज का नाम क्या है? लेलन होम्स. ओके, आई होप आपको ये पोयम क्लियर होगी. थैंक यू.